21 सितंबर 2018 को एक खबर तेज रफ्तार से फैलने लगी सोशल मीडिया पे कि उत्तर प्रदेश की दियोरिया डिस्ट्रिक्ट में मुहर्रम के ताजिए के दौरान एक आदमी ने तलवार के साथ एक बच्चे का गला काट डाला। विभिन्न मीडिया चैनल्स जैसे अमर उजाला, पत्रिका इनाडू इंडिया और न्यूज 18 ने भी इस खबर को आगे फैलाया। आखिर सच क्या है? घटना के दिन दियोरिया पुलिस ने ट्विटर के जरिए घोषित किया कि ये अफवाह गलत है और बच्चा जरूर घायल हुआ था, मगर तलवार के कारण नहीं बल्कि टूटी ट्यूबलाइट के बारीक टुकड़ों के कारण। ऑल्ट न्यूज ने दियोरिया पुलिस के सर्कल ऑफिसर श्री वरुण मिश्रा और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट श्री अमित किशोर से बात करते हुए कन्फर्म किया कि ट्यूबलाइट वाला बयान सही है। जैसे हम इस वीडियो में देख सकते हैं, मुहर्रम के दौरान जवान लड़के ट्यूबलाइट्स के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो कभी कभी स्वयं उनके लिए और आसपास खड़े दर्शकों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। ये घटना जिसमें एक बच्चा घायल हुआ बहुत दुखद थी, लेकिन ये सिर्फ एक्सीडेंट था। किसी ने जानबूझ के बच्चे को चोट नहीं पहुंचाई थी और किसी भी तलवार का कोई जिक्र नहीं हुआ है। अगर कोई भी न्यूज रिपोर्ट, फॉरवर्ड या अफवाह आपको जज्बाती लगे तो कृपया उसकी जांच करें, जिम्मेदारी से शेयर करें, ताकि हम सब साथ मिलकर फेक न्यूज का सामना कर सकें। धन्यवाद।